हिमाचल प्रदेश उद्योग निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा जिस प्रकार का यह व्यवहार किया गया, जिसकी पूरे देश भर में कांग्रेसी विधायकों की केवल निंदा ही नहीं हो रही बल्कि पूरे प्रदेश भर में उनका जिस प्रकार का व्यवहार इन लोगों द्वारा किया गया उसको लेकर प्रदेश के लोग चिंतित भी हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश से लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के विधायक इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं हिमाचल की जो छवि पूरे देश भर में है उसको केवल दाग ही नहीं लगा है बल्कि पूरा हिमाचल इन लोगों के कारण शर्मसार हुआ है। जो विधानसभा में हुआ है वह हिमाचल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ बल्कि दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में काफी हो हल्ला होता है, परंतु ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है। राज्यपाल का केवल राम घेराव ही नहीं किया गया बल्कि उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। यह व्यवहार पूरे देश में कहीं नहीं हुआ और यह जो कांग्रेस के लोगों ने किया है यह कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में जो पंचायती और शहरी चुनाव में हुए परिणाम आए हैं और जिस प्रकार हिमाचल की जनता ने जयराम सरकार का समर्थन किया है उसे देखकर कांग्रेस पार्टी के लोग हताश हैं और यह उसी निराशा का परिणाम है। वैसे भी कांग्रेस के नेता या राष्ट्रीय सचिव राहुल गांधी से लेकर इनके MLA तक जितने भी लोग हैं अक्सर इस प्रकार का व्यवहार करते हुए आए हैं। प्रदेश की जनता का भी यही मानना है कि राज्यपाल प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अमानवीय है और वे बुजुर्ग भी हैं। ऊना के दो विधायक, उन्होंने भी ऊना को शर्मसार किया है। संसदीय प्रणाली में कुछ मर्यादाएं होती हैं, वहाँ चाहे कोई विधायक है चाहे कोई सांसद है कोई MP है उसको किस लिए भेजा जाता है? देश की नीतियों का निर्माण करने के लिए, कानून बनाने के लिए, तो कानून अच्छा और उस पर चर्चा करने के लिए भेजा जाता है। अगर आप सत्ता पक्ष में तो कानून बनाए, विपक्ष में उसमें कानून में कोई कमी है आप उसको निकालें, उसको ठीक करें। ये काम एक सांसद का, एक विधायक का होता है। विधायक का काम वहाँ गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, गवर्नर के साथ बदतमीजी करना, मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द बोलना, ये किसी विधायक का, सांसद का काम नहीं है। तो मेरा इनको यही कहना है कि जिस काम की आपको तनख्वाह मिलती है, जिस काम के लिए करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च करके चुनाव किए जाते हैं, आपको निर्वाचित किया जाता है, जनता की अपेक्षाएं भी होती हैं, वो काम सबको करना चाहिए। इस रोज रोज के कामों में आपको पता है कि ये तो खबर फैलाना, सनसनी फैलाना इनका रहता है और विषय कोई दूसरा है नहीं है, तो बात नहीं है, जैसा वो करेगा वैसा करेगा। PLTV के लिए ऊना से रिद्धम की रिपोर्ट।